अस्सलाम वालेकुम साफिया दक्कन SDN TV के मोजज़ नाजरेन, आपका खैर मुकदम है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का इमरान ख़ान हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला। कौमी असम्बली बहाल, डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग और कौमी असम्बली की तहलील गैर आइनी करार। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी 3 अप्रैल की रूलिंग सदर ममलुकत की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अस्खुद नोटिस केस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच के मुतफ़िका फैसला दिया कि तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने की डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की 3 अप्रैल की रूलिंग और वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर जमहूरिया की जानिब से कौमी असम्बली को तहलील करना आयन के ख़िलाफ़ है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कौमी स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास 9 अप्रैल को बुलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मजीद कहा है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हफ्ते को सुबह 10 बजे कराई जाए। सदर की निगरानी हुकूमत के अहकाम कलदम करार दिए जाते हैं। तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाती है तो असम्बली नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करे। अदालत के मुतफ़िका फैसले में कहा गया है कि किसी मेंबर को वोट कास्ट करने से रोका नहीं जाएगा। तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो तो हुकूमत अपने अमर अंजाम देती रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस अहम तरीन केस की समाअत की।